Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today I come up with my new video that is based on dryers. Friends, previously also I have made the video on dryers and explained about the working principle and operation of refrigerant type dryer. But in this video I come up with my new topic that is on HOC dryer. That is acronym for heat of compression. Friends, in my previous video also I have told you about that why we are using dryer, what is dryer. As friends, compressed air cannot be used for direct application for pneumatic application and for industrial application as it contains moisture. So we are using dryer to remove moisture from the air and provide moisture free air in the pneumatic application. जो topic है वो है HOC dryer, heat of compression. हम क्या कर रहे हैं, compressed air जो हमारी compressor से compressed हो रही है उसके टेम्परेचर को हम यूज़ कर रहे हैं अपना ड्राइंग प्रोसेस में. जैसे HOC ड्रायर में हमारे पास दो टावर होते हैं जिसमें से एक टावर हमारा कंटिन्यूसली ड्राइंग में रहता है. मतलब का मैं आपको अगर डायग्राम बताऊं, उसका डिज़ाइन बताऊं, तो उसमें क्या होता है, दो टावर रहते हैं हमारे पास. उन दोनों टावर में हम एलुमिना सिलिका जेल यूज़ करते हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारा एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए. तो दो टावर होते हैं, तो सपोज़ करें कि 300 मिनट्स की साइकिल है टोटल, जिसमें से कि एक टावर की 150 मिनट्स की रहेगी, दूसरे की 150 मिनट्स की रहेगी. फ्रेंड्स, ये है एचओसी ड्रायर का सिस्टमेटिक डायग्राम डिज़ाइन जो रहता है. इसमें हमारे पास दो टावर रहते हैं, एक टावर दो टावर. हमारा जो ऑपरेशन में रहता है वो ओनली एक टावर रहता है जहाँ पे हम अपना डायरेक्ट प्रोसेस में एयर भेजते हैं. दूसरा जो हमारा टावर रहता है वो रीजनरेशन में रहता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज़ करते हैं अगर 300 मिनट्स की एक प्रॉपर साइकिल है जिसमें से कि 150 मिनट्स एक टावर अपना प्रोसेस में रहेगा, दूसरा 150 मिनट्स के लिए जो टावर है वो अपना रीजनरेशन में चलता रहता है. 150 मिनट्स ये काम करता है, 150 मिनट्स ये काम करेगा. जब ये काम करेगा हमारा डायरेक्ट प्रोसेस में एयर भेजेगा ये, तो दूसरा टावर हमारा रीजनरेशन में लगा होगा. ये साइकिल चलती रहती है. जैसे मैंने आपको बताया था, रीजनरेशन में 5 साइकिल होती है. पहला हीटिंग, दूसरा डीप्रेशराइजेशन, थर्ड पर्जिंग, फोर्थ रीप्रेशराइजेशन, फिफ्थ कूलिंग. तो ये डायग्राम देखिए आप, जब हमारी एयर जाती है तो प्री फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर जब आउट होती है तो ये आफ्टर फिल्टर भी बोल सकते हैं, पोस्ट फिल्टर भी बोल सकते हैं. ये हमारा वाटर कूल्ड एयर कूलर है, एयर कूलर कह लो या फिर हीट एक्सचेंजर कह दो. और ये है हमारा मॉइस्चर सेपरेटर, जिससे कि हमारा जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है और ड्रेन लाइंस के थ्रू हमारा बाहर चला जाता है. और ये सारे जो आप देख रहे हैं वो सारे वॉल हैं हमारे. ये डिज़ाइन में 8 वॉल से ऑपरेशन है, और अलग अलग डिज़ाइन भी आते हैं जिसमें 12 वॉल होते हैं, जिसमें 10 वॉल होते हैं. पर हमारा जो ये मैं आपको समझा रहा हूँ अपना ड्रायर का, इसमें 8 वॉल से हम ऑपरेट करते हैं. एयर आ रही है वो हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं प्रोसेस में. जो हमारा एक ड्रायर है जो हमारा रेडी है, जिसका एलुमिना सिलिका जेल ऑलरेडी रीजनरेट हो चुका है, तो उसको हम डायरेक्टली ड्राइंग प्रोसेस, उसे ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम कंप्रेसर की एयर एक टावर से सीधे प्रोसेस में भेजते हैं, जिसमें क्या होता है एयर का सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और इंटरकूलर के थ्रू पास होके फिल्टर के थ्रू पास होके वो अपना प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं. और 150 मिनट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि 150 मिनट्स के लिए अगर वो साइकिल में यूज़ हो रहा है टावर, तो जो दूसरा टावर है 150 मिनट्स के लिए वो रीजनरेशन में चला जाता है. रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर ये पहला टावर मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर की डायरेक्ट एयर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें, उसका मॉइस्चर रिमूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एलुमिनियम सिलिका जेल, तो 150 मिनट्स के लिए वो यूज़ होता है. उसके बाद क्या होता है, वही टावर सेम रीजनरेशन में चला जाता है. रीजनरेशन में का मतलब ये है कि जो हम 150 मिनट्स के लिए एलुमिनियम सिलिका जेल को यूज़ किया हीट देके, उसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है, तो दोबारा से उस मॉइस्चर को निकाल के दोबारा उसको प्रिपेयर करते हैं कि दोबारा से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, इसलिए हम उसे रीजनरेशन साइकिल बोलते हैं. तो उसका ये मतलब हो गया, जैसे कि हमारे पास अगर दो टावर हैं, दोनों में अपने हमने एलुमिना सिलिका जेल भरा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन पैरामीटर और क्वांटिटी ऑफ द एलुमिना सिलिका जेल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज़ करते हैं 300 मिनट्स की साइकिल है, तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहला टावर जो हम ड्राइंग में डाल रहे हैं, जो हम डायरेक्ट उसको प्रोसेस में एयर दे रहे हैं उस ड्रायर के थ्रू, उस टावर के थ्रू, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके अंदर एलुमिना सिलिका जेल है वो
वो आपका 150 मिनट तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद भी अगर हम उसको रखेंगे तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम उसमें दो टावर यूज़ करते हैं। जैसे कि एक टावर हमने 150 मिनट्स के लिए यूज़ किया डायरेक्ट, उसमें क्या है वो मॉइस्चर कंटेंट करने लगा, अपने हमारे को ड्राई एयर जाने लगी। अब क्या है, अब हम दूसरे टावर को यूज़ करते हैं 150 मिनट्स के लिए, और जो हमारा एल्यूमिनियम सील का जिसने मॉइस्चर कंटेंट कर लिया है बहुत ज़्यादा, उसको हम फिर रीजनरेट करते हैं, मतलब रिफ्रेश करते हैं कि उसके मॉइस्चर निकालते हैं एल्यूमिनियम सील का जैन से कि 150 मिनट्स के बाद हम उसे यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, रीजनरेशन में 5 साइकिल रहती है हमारी। हीटिंग रहती है पहली, सेकेंड हमारा उसका डीप्रेशराइजेशन रहता है, थर्ड हमारा पर्जिंग रहता है, और फोर्थ रीप्रेशराइजेशन रहता है, और फिफ्थ कूलिंग रहता है। तो हम लोगों ने इसका डायग्राम तो समझ लिया है कि इसमें दो टावर रहते हैं हमारे पास, एक अपना वाटर कूल्ड एयर कूलर और ये अपना मॉइस्चर सेपरेटर, बाकी जो फंक्शन है उसका प्री फिल्टर है, आफ्टर फिल्टर है, बाकी जो फंक्शनिंग है वो वॉल पे डिपेंड होते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया इसमें 5 साइकिल होती हैं तो रीजनरेशन में, तो अगर हमारा ये टावर 1 ड्राइंग में, जैसे हमारा जो अगर एयर का टेम्परेचर जो हमारा इनलेट होता है HOC ड्रायर में वो 120-140 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तो 120 डिग्री का टेम्परेचर जब जाता है एयर फिल्टर प्री फिल्टर में अपना, तो यहाँ पे फिल्टर होता है। फिर हमारा जो ये पाथ फॉलो इसलिए करता है क्योंकि वही एयर हमारी हीटिंग में जाती है, वही हमारा ड्राइंग में जाती है। तो अगर हम ये देखें हमारा V1 वॉल खुला, फिर यहाँ से हीटिंग में गया 120, अगर हीटिंग साइकिल है हमारी है दूसरे टावर की, पहली जो साइकिल है वो हीटिंग होती है, हमारा जो 120 डिग्री का टेम्परेचर है वो यहाँ पे जाके, उसके बाद ये वाटर कूल्ड एयर कूलर में इसका टेम्परेचर डाउन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 40-50 डिग्री के करीब रहता है यहाँ पे। उसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर के थ्रू इसका सारा मॉइस्चर निकल के अपना फिर ड्राइंग टावर से जाके सीधा अपना प्रोसेस में चला जाता है। तो हीटिंग में मतलब हमारी जो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, एक तो अगर जो कोई सा भी हमारा टावर ड्राइंग में हो तो जो ड्राइंग में टावर रहता है उसी से हमारी जो कंप्रेस्ड एयर रहती है वो जाती है पहले, फिर हीट एक्सचेंजर में जाती है जहाँ पे वो ठंडी होती है, उसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर से उसका मॉइस्चर निकलते हैं, फिर ड्राइंग टावर से होती हुई वो प्रोसेस में चली जाती है। यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं दूसरे टावर में क्योंकि यहाँ पे रीजनरेशन चल रहा है, बाकी अगर हमारा टावर 1 ड्राइंग में है तो वो ड्राइंग में ही रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, एयर आई हमारी वाटर कूल्ड एयर कूलर में ठंडी हुई, फिर मॉइस्चर सेपरेटर से उसका मॉइस्चर निकला, फिर ड्राइंग टावर से होते हुए अपना प्रोसेस में चली जाती है। अब ये क्या है, हमारा टावर 1 ड्राइंग मोड में है, टावर 2 हीटिंग मोड में है, तो टावर 2 जो हीटिंग मोड में है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो डेसिकेंट है हमारा जो बिल्कुल ही वेट हो जाता है, जो बिल्कुल मॉइस्चर गेन कर लेता है, उसे हम मॉइस्चर रिमूव करने के लिए उसे हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहला प्रोसेस तो हमारा ये हो गया कि जो हमारी इनलेट एयर है उसे हम डायरेक्ट हीटिंग मोड में टावर 2 में ले लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि जो उसका मॉइस्चर होता है वो रिमूव हो जाए। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया इसमें 5 साइकिल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पहली साइकिल थी वो हीटिंग साइकिल है, मैंने बताया था आपको, सपोज करते हैं कि 150 मिनट्स की हमारा रीजनरेशन साइकिल है, जिसमें पहली जो साइकिल बताई थी वो मैंने हीटिंग साइकिल बताई थी, वो हम लेते हैं 40 मिनट्स की। पहली जो हीटिंग साइकिल रहती है वो 40 मिनट्स की रहती है, जिसमें 40 मिनट्स तक जो हमारी एयर निकल रही है 120 डिग्री सेल्सियस पे, वो हमारे टावर से जो हमारा हीटिंग साइकिल चल रही है उसमें जाती रहती है 40 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमारी जो दूसरी साइकिल होती है वो होती है डीप्रेशराइजेशन साइकिल। पहला टावर तो हमारा ड्राइंग में ही रहेगा, तो ड्राइंग में क्या होता है, वही सेम प्रोसेस प्री फिल्टर से होता हुआ अपना वाटर कूल्ड एयर कूलर से निकल के मॉइस्चर सेपरेटर से उसका निकल के टावर 1 ड्राइंग में सीधे जाके अपना आफ्टर फिल्टर से प्रोसेस में चला जाता है। पर जो हमारा दूसरा टावर है जो हमारा डीप्रेशराइजेशन में है, वो हम डीप्रेशराइजेशन करते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो हम पहले साइकिल में हीटिंग साइकिल में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं, तो हम इसे डीप्रेशराइज करते हैं, जो कि इसके अंदर हीटिंग जो भी इसमें हीट होती है और प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाए अपना सारा, 5 मिनट के लिए हम इसे नॉर्मलाइज करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये है तीसरी साइकिल जिसे बोलते हैं हम पर्जिंग साइकिल। हमारा टावर 1 ड्राइंग मोड में ही रहता है और टावर 2 अपना हमारा थर्ड साइकिल में आ गया, जो कि है पर्जिंग साइकिल। पर्जिंग साइकिल में देखिए, पहली साइकिल में हमने हीटिंग मोड में किया, जो हमारे डेसिकेंट थे उसे 120 डिग्री सेल्सियस पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में उसको पास करवाया, जो कि उसमें क्या है क्या हमारा जो डेसिकेंट है वो मॉइस्चर रिलीज कर देते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी पे आ जाते हैं। सेकेंड साइकिल में हमने देखा है उसे डीप्रेशराइजेशन करते हैं, जिसमें कि जो हमारा टावर 2 में जो प्रेशर होल्ड होता है, जो हीटिंग रहती है, उसे रिलीज करने के लिए हम डीप्रेशराइजेशन करते हैं 5 मिनट के लिए। पर्जिंग में हम क्या करते हैं 90 मिनट के लिए, जिसमें हम जो हमारा आउटलेट एयर जा रही है 40-50 डिग्री की जो एयर जाती है उसे हम
यहाँ पे पास करवाते हैं 90 मिनट्स के लिए, और जो उसका वॉल जो खुलता है वो 2% वॉल खुलता है। यहाँ से जो वॉल खुलेगा V5 वॉल जो दे रखा है वो 2% वॉल खुलता है। 2% वॉल से जो एयर निकलती रहती है वो 90 मिनट्स के लिए पर्जिंग में आती है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं या फिर इसमें जो टेम्परेचर रह जाता है वो हल्के हल्के करके उसे बिल्कुल ही नॉर्मलाइज कर देता है, इसलिए हम इसे पर्जिंग कहते हैं। बाकी जो अपना जो ड्राइंग वन टावर वन में जो ड्राइंग चल रहा है वो तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। यहाँ से एयर जाती है प्री फिल्टर से, फिर वाटर कूल से कूल होके फिर मॉइस्चर सेपरेटर से मॉइस्चर निकल के ड्राइंग में जाता है। वो तो कंटिन्यू वही सेम प्रोसेस रहता है। हमारा जो चेंज हो रहा है वो टावर टू है, जिसमें हमारी पहली साइकिल हीटिंग थी डीप्रेशराइजेशन, और थर्ड हमारी पर्जिंग है, जिसमें पर्जिंग में हम क्या करते हैं V5 वॉल खोलते हैं, 2% की एयर जो आउटलेट एयर है वो पास कराते हैं इसमें, जिससे क्या और V7 V8 के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स रहता है या फिर उसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो हम न्यूट्रलाइज करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैंने तीन साइकिलों के बारे में आपको बता दिया कि पहला हीटिंग थी, दूसरी हमारी डीप्रेशराइजेशन था, थर्ड हमारा पर्जिंग था, फोर्थ साइकिल है रीप्रेशराइजेशन, और पहला जो टावर है हमारा वो तो ड्राइंग में ही रहता है 150 मिनट्स के लिए। जो रीप्रेशराइजेशन है वो भी 5 मिनट के लिए होता है। ऐसा होता है कि पर्जिंग के बाद इसमें बिल्कुल भी हमारा जो है वो प्रेशर ज़ीरो हो जाता है एक तरह से। फिर अगर हम इस टावर को हम अगर लाइन में लेंगे तो पहले क्या है कि इस टावर को भरने में टाइम लगेगा, प्रेशराइज करने में टाइम लगेगा, तो आगे का जो हमारा प्रोसेस का है वो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए हम इसमें रीप्रेशराइजेशन करते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रेशर है वो लाइन टेम्परेचर से मैच हो जाए। अगर हम इसको रेडी करते हैं, मतलब जो हम एयर का प्रेशर देते हैं, तो इसमें टावर में भरने में या फिर प्रेशराइज होने में टाइम ना लगे, लाइन प्रेशर से सिमिट्री आने में थोड़ा टाइम ना लगे, इसीलिए प्रेशर लॉस ना हो, इसलिए हम रीप्रेशराइजेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम आउट V5 वॉल्व खोलते हैं 2% का, और इसमें हम एयर देते हैं, एयर प्रेशर 5 मिनट के लिए देते हैं, जिससे कि इसका जो प्रेशर होता है वो लाइन प्रेशर से मैच हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा जब ये टावर वन ड्राइंग मोड में, मतलब बिल्कुल ही 150 मिनट्स कंप्लीट होने वाले होंगे जब हम इसे लाइन में लेंगे, तो हमारा प्रेशर ड्रॉप ना हो, इसलिए हम इसमें रीप्रेशराइजेशन करते हैं 5 मिनट्स के लिए। हमारी फ्रेंड्स जो लास्ट साइकिल है वो है कूलिंग साइकिल। मैंने आपको 5 साइकिलों के बारे में बता दिया, ये भी हम 5 मिनट्स के लिए करते हैं। हमारा टावर वन जो है वो ड्राइंग मोड में रहेगा, बताया ये सेम प्रोसेस रहता है, एयर फिल्टर से आगे निकल के एयर कूलर के थ्रू उसका टेम्परेचर डाउन होता है, मॉइस्चर सेप्टर से उसका मॉइस्चर रिमूव होकर अपना ड्राइंग टावर से होते हुए अपना आउटलेट से निकल जाता है। बट जैसे इसमें हमारा 5 मिनट्स का कूलिंग रहता है, इसमें क्या करते हैं हम बिल्कुल ही कूलिंग टावर को कूल करते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसमें V6 वॉल 25% वॉल ओपन करते हैं, फ्रेश एयर जो आउटलेट एयर है वो जाके ड्राई एयर इसमें 25% वॉल खुलता है 5 मिनट के लिए, जिसमें क्या है इसमें कूलिंग हो जाती है, तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाता है, जो हम मतलब लाइन प्रेशर लाइन टेम्परेचर चाहते हैं वो बिल्कुल इसमें गेन हो जाता है, इसलिए हम कूलिंग टावर की टावर टू का कूलिंग साइकिल यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा रीजनरेशन ख़त्म हो जाता है, हमारा जो डेसिकेंट है वो फ्रेश हो जाते हैं, रेडी टू यूज़ हो जाते हैं, इसलिए फिर ये वाला टावर की साइकिल ख़त्म होती है तो रीजनरेशन हमारा टावर वन लग जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो होगा, 5 साइकिलें होंगी, हीटिंग डीप्रेशराइजेशन पर्जिंग रीप्रेशराइजेशन कूलिंग, और ये वाला हमारा ड्राइंग में रहेगा। HOC ड्रायर और अपना रेफ्रिजरेंट ड्रायर में ये डिफरेंस है कि जो रेफ्रिजरेंट ड्रायर है वो ज़्यादा ड्यू पॉइंट माइनस में नहीं दे पाता है, पर हम HOC ड्रायर में हम जो ड्यू पॉइंट यूज़ करते हैं वो -42 -60 डिग्री रहता है। और ड्यू पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बताया, वही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एयर हमारा जो मॉइस्चर है वो रिमूव कर सके, तो इसमें हम जो ड्यू पॉइंट यूज़ होता है वो -42 -60 रहता है HOC ड्रायर में।